अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड लेक्चर ऑफ फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ द टॉपिक एक्सोग्राफी। क्वेश्चन इज दैट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एक्सोग्राफी मीन फोटोकॉपी। फोटोकॉपी मशीन जो आप आजकल यूज़ करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आप अपने पेजेस फोटोकॉपी कराती हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली द फोटोकॉपी मशीन। द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोग्राफी, कॉपी होने का जो प्रोसेस है इसको हम एक्सोग्राफी का नाम देंगे। इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इसको ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया हुआ माखूज है। एक्सोस एंड ग्राफ मीन ड्राई राइटिंग, इसका मतलब है ड्राई राइटिंग, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं कि ड्राई राइटिंग ब्लैक कलर में है तो मीन फोटो कापी को शो कर। इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। इलेक्ट्रोस्टेटिक्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में हम चार्जेस का रेस्ट में स्टडी करते हैं एंड फोटोकॉपी का मशीन में को एक्सोग्राफी का नाम भी दिया है। ये ग्रीक वर्ड से इसको माखज़ किया गया है जिसका मतलब ड्राई राइटिंग है, खुश्क राइटिंग है, और ये इलेक्ट्रोस्टेटिक की एक एप्लीकेशन है। प्रिंसिपल में देखिए, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यू नो दैट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कंस्ट्रक्शन में इसकी बनावट कैसे की है, द मेन पार्ट ऑफ फोटोकॉपी इज़ द ड्रम मेड अप ऑफ एलुमिनियम कोटेड विद लेयर ऑफ सेलेनियम। इसका जो मेन पार्ट है वो आप देखेंगे वो है ये, देखें ये डायग्राम आप गौर से देखें, इस डायग्राम में इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है, सबसे मेन पार्ट है ड्रम इसको कोट किया हुआ है, ये बना हुआ है एलुमिनियम का, इसको सेलेनियम से कोट किया हुआ है। लेंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये फोकस करता है लाइट को, लैंप से हम लाइट देख सकते हैं इसलिए। और यहाँ पे देखें प्रिंट इमेज है, हाँ जी टोनर है, और यहाँ पे टोनर है, पेपर ऑन विच द इमेज इज प्रिंटेड, हीटेड रोलर आ गए यहाँ पे आपके पास, देखें पेज टू बी कॉपीड फेस डाउन। एंड ये फोटोकॉपी मशीन जो आप शॉप्स पे देखते हैं, यहाँ पे हम पेज रखते हैं वो इसको बंद करते हैं और पेज का जो जिसका प्रिंट आप हासिल करना चाहते हैं वो फोटोकॉपी मशीन से बाहर आ जाता है और आप सेम पेज की कॉपी आप जो है हासिल कर लेते हैं। जो भी आपने पेपर कॉपी कराना होता है सेम उसके का प्रिंट बाहर आ जाता है और आप इजीली उसको स्टडी कर सकते हैं। तो मेन पार्ट आपको जैसे कि बताया है इसका फोटोकॉपी मशीन का ड्रम है, ठीक है। मेन पार्ट और फोटोकॉपी इज़ द ड्रम मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ है एंड कोटेड विद द लेयर ऑफ सेलेनियम, सेलेनियम से उसको से कोट किया हुआ लेयर से। सेकेंड पार्ट इसका लैम्प विच प्रोवाइड इनफ लाइट एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, में द लैम्प है जो प्रोवाइड करेगा इनफ लाइट, मुनासिब लाइट एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो कंडक्टिव एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए फोटोकॉपी फोटो कंडक्टिव एटम्स से। सेकेंड थर्ड पार्ट हमारा अ लेंस टू फोकस द इमेज ऑन ड्रम, लेंस जो फोकस करेगा इमेज को ड्रम पे, इट कैन आल्सो रिड्यूस और मैग्नीफाई द साइज ऑफ इमेज, ये एक तो रिड्यूस भी करेगा साइज को और मैग्नीफाई करेगा साइज ऑफ इमेज की, कितना हमने इसका साइज रखना है, कैसे इसको मेंटेन करना है। स्पेशल काइंड ऑफ ड्राई इंक जिसको हमने टोनर का नाम दिया है, स्पेशल काइंड ऑफ ड्राई इंक कॉल्ड टोनर। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है हीटेड प्रेशर रूलर विद सम हीटिंग अरेंजमेंट, कुछ हीटिंग अरेंजमेंट के साथ ये कंस्ट्रक्शन में इसके आपके पास फर्स्ट सेकेंड कंस्ट्रक्शन में आपके पास इसके पॉइंट्स है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी डेफिनेशन की, सेकेंड इसका प्रिंसिपल, थर्ड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपने देखा सबसे मेन पार्ट इसका ड्रम है एंड थर्ड पार्ट जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इसका ड्रम है जो मेन पार्ट है, सेकेंड लैम्प है ठीक है जो प्रोवाइड करेगा इनफ लाइट एनर्जी, एंड थर्ड पार्ट है लेंस, एंड फोर्थ में है टोनर, एंड फिफ्थ में हमारे पास है रूलर। फाइव पार्ट्स हैं जो मेन फाइव पार्ट्स इस कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहे हैं, फर्स्ट ड्रम, सेकेंड लैम्प, थर्ड लेंस एंड फोर्थ टोनर एंड फिफ्थ है रूलर। ये मेन इसके फाइव पार्ट्स हैं जो इसकी कंस्ट्रक्शन में, इसकी बनावट में, इस फोटोकॉपी मशीन को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि फिर मेन पार्ट इसका ड्रम आ गया, फिर लेंस, लैम्प ठीक है,
एंड ये रोलर आ गया हीटर रोलर, एंड ये दैट इज़ द टोनर, दैट इज़ द टोनर। इससे देखिए आपका टोनर है ये आपका। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये टोनर एक पेज यहाँ पे देखें रोल आउट प्रिंटेड इमेज यहाँ पे आप लेंगे इसका। पेज टू बी कॉपी फेस्ड ऑन, जो किसको हमने कॉपी करना है वो है। ये लैंप आ गया, ये लेंस है, ड्रम जिस पे वो रोल आउट होता है पेज, प्रिंट प्रिंटेड इमेज इसका हमें यहाँ पर मिल गया। ये हीटर रोलर है, रोलर्स का नाम जिसको हमने दिया, ये टोनर्स ठीक है। ये कॉन्टेन लिखेंगे ब्लैक टोनर डस्ट, ब्लैक कलर, अगर ब्लैक कलर की कॉपी करवाने, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको पेज नज़र आ रहा है ये ब्लैक कलर में है, तो पेपर ऑन विच द इमेज इज प्रिंटेड, वो वाला पेपर जिस पे हमने इमेज हासिल करना, एक हमने प्रिंटेड इमेज लेना, एक पेज जो हमने जिसकी कॉपी करनी है, सेकेंड पेज वो होता है जिस पे हमने उसका सेम इमेज लेना है। वाइट पेज जो हम वाइट पेज जो हम फोटोकॉपी मशीन में रखते हैं ताकि हमें सेम उसका इमेज हमें मिले, सेम इमेज हमें उसका नज़र आए। द बेसिक बेसिस ऑफ फोटोकॉपी ठीक है, इसके द लैम्प ट्रांसफर एन इमेज ऑफ द पेज, इमेज ऑफ द पेज टू द ड्रम। यहाँ पे लैम्प ट्रांसफर करेगा इमेज पेज का ड्रम को, विच लीव द स्टैटिक चार्ज। द ड्रम कलेक्ट टोनर डस्ट, फिर ड्रम को कलेक्ट करेगा टोनर डस्ट को एंड ट्रांसफर इट टू द पेपर को ट्रांसफर करेगा। टोनर इज मेल्टेड ऑन टू द पेज, तो टोनर क्या मेल्ट हो जाएगा पेज पे ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी वर्किंग, हम देखते हैं कि वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। एल्यूमिनियम इज एन एक्सलेंट कंडक्टर, एल्यूमिनियम एक अच्छा कंडक्टर है जिसमें करंट इजीली पास आउट हो सकता है। बट सेलेनियम इज़ एन इंसुलेटर, सेलेनियम इंसुलेटर है जिसमें से करंट पास आउट ना हो सके। इन द डार्क, जब अंधेरे में होगा। एंड द बिकम कंडक्टर, लेकिन ये कंडक्टर हो जाएगा जब व्हेन लाइट फॉल ऑन इट, जब इस पर लाइट गिरेगी आगे। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ फोटो कंडक्टर, दूसरे अल्फाज में हम इसे कहेंगे ये फोटो कंडक्टर है, जब मतलब इस पर लाइट आउट, जब लाइट फॉल आउट होगी तो वो कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगा, अदरवाइज ये इंसुलेटर की तरह से काम पर करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, द सेलेनियम इज मेड पॉजिटिवली चार्ज बाय कोरोना वायरस, इट विल रिमेन पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा एज लॉन्ग एज इट रिमेन इन डार्क। सेलेनियम इज मेड पॉजिटिवली चार्ज बाय कोरोना वायरस, इट विल रिमेन पॉजिटिवली चार्ज एज लॉन्ग एज इट रिमेन इन डार्क। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ डॉक्यूमेंट्स, जब लाइट डॉक्यूमेंट्स से गिरती है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। पास थ्रू द लेंस, लेंस में से पास आउट होगी एंड फॉल ऑन द सेलेनियम, सेलेनियम पे आके गिर जाएगी, सेलेनियम पे आके गिर जाएगी। पहले वो इंसुलेटर था, फिर वो कंडक्टर बन जाएगा, मीन फोटो कंडक्टर बन जाएगा। इन डार्क, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ रिफ्लेक्टेड पास थ्रू द लेंस एंड फॉल ऑन द सेलेनियम। द corresponding डार्क एंड ब्राइट एरिया आर फॉर्म्ड ऑन द ड्रम, द डार्क एरिया रिटेन दियर पॉजिटिव चार्ज बट द लाइट एरिया बिकम कंडक्टिंग, सो द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेलेनियम एल्यूमिनियम पास थ्रू द सेलेनियम, एल्यूमिनियम से पास आउट होंगे सेलेनियम में एंड न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। दस अ पॉजिटिव चार्ज इमेज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिमेन ऑन सेलेनियम सरफेस, देन अ स्पेशल ड्राई नेगेटिवली चार्ज ब्लैक पाउडर कॉल्ड टोनर, जिसको हमने टोनर का नाम दिया, ये एक स्पेशल नेगेटिवली चलाया चार्ज ब्लैक पाउडर है जिसको हमने टोनर का नाम दिया है। इस स्प्रे ओवर द ड्रम, इसको ड्रम पे हम स्प्रे कर देंगे। वेयर इट स्टिक ऑन द पॉजिटिवली चार्ज एरिया, जहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज एरिया के साथ स्टिक हो जाएगा, चिमट जाएगा, क्योंकि जैसे कि बताया कि एक तो नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज है, ये इक्वल, ये नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फोटोकॉपी मशीन्स, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। द टोनर फ्रॉम ड्रम इज ट्रांसफर्ड ऑन द हाईली पॉजिटिवली चार्ज शीट ऑफ पेपर, टोनर फ्रॉम ड्रम इज ट्रांसफर्ड, ये टोनर ड्रम से ट्रांसफर होंगे हाईली पॉजिटिवली चार्ज शीट पे ठीक है। हीटेड प्रेशर रोलर देन मेल्ट द टोनर इन टू द पेपर,
टू प्रोड्यूस अ परमानेंट इम्प्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स पे परमानेंट इम्प्रेशन हासिल करने के लिए। तो ये टोनर है, तो ये जो हीटेड प्रेशर रूलर है मेल्ट कर देगा टोनर को पेपर पे, तो कि वो प्रोड्यूस करे, पैदा करे, कि वो हमें दे परमानेंट इम्प्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, हमें डॉक्यूमेंट्स के परमानेंट इम्प्रेशन दे, मतलब जिस तरह से हम डॉक्यूमेंट्स हासिल करना चाहते हैं उस तरह से हमें वो मिल जाए। ठीक है, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ फोटोकॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके बारे में पहले किया है एक्सोग्राफी, फोटोकॉपी के बारे में मैंने आपको बताया, इसका प्रिंसिपल बताया, सेकंड कंस्ट्रक्शन इसके मेन पार्ट्स के बारे में आपको बताया है, इसके मेन पार्ट्स क्या हैं, थर्ड आपने इसके डायग्राम के बारे में अंडरस्टैंड किया, इसके मेन पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया क्या है, एंड लास्ट में मैंने इसकी वर्किंग के बारे में बताया कि ये कैसे वर्क करता है, किस तरह से आप इसकी परमानेंट इमेज डॉक्यूमेंट्स का आप पेज पे हासिल कर सकते हैं, किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे आप इनको गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इंजेक्ट प्रिंटर। ये टॉपिक इसी से रेलिवेंट है, इसलिए मैंने आपको उसके साथ ही कम्प्लीट करवाना है। इंजेक्ट प्रिंटर मीन एन इंजेक्ट प्रिंटर इज अ प्रिंटर विच द प्लेस वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू पेपर टू मेक एन इमेज, इट यूज टू मेक एन इमेज, टू मेक एन इमेज। यहाँ पे देखें, एन इंजेक्ट प्रिंटर इज अ प्रिंटर विच दैट प्लेस वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ इंक ऑन टू द पेपर टू मेक एन इमेज, इट यूज इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन इट्स ऑपरेशन, ऑन इट्स ऑपरेशन, इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इट आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है, जिसमें हम स्टडी कर देंगे चार्जेस को रेस भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड द प्रिंसिपल ऑफ इंजेक्ट प्रिंटर इज अ चार्ज पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड, चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा व्हेन पास थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में से हम पास आउट करेंगे बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरल प्लेट्स, दो ऑपोजिटली चार्ज पैरल प्लेट्स। फर्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन, अब इस कंस्ट्रक्शन में बनावट कैसे, यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम इसके गोर्स है, आप देखिए ये डायग्राम है इसकी, इसमें आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट नज़र आ रही हैं, दो ऑपोजिटली डिफ्लेक्शन प्लेट, एंड इसके पार्ट्स आप देखें, इंस्ट्रक्शन पार्ट्स ऑफ दैट, इसके पार्ट्स में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन में मेनली इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंट हेड, इट कंसिस्ट ऑफ अ नोजल विद एन इंक लैम्प, प्रिंट हेड है फर्स्ट इसका पार्ट, एंड टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कॉल्ड चार्जिंग इलेक्ट्रोड, सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रोड्स, एंड थर्ड डिफ्लेक्शन प्लेट, डिफ्लेक्शन प्लेट, एंड फोर्थ है गटर। फर्स्ट प्रिंटेड हेड, सेकेंड हमारे पास है इलेक्ट्रोड, थर्ड पार्ट मेन पार्ट है इसका डिफ्लेक्शन प्लेट, एंड फोर्थ मेन पार्ट है गटर। अब नेक्स्ट स्कीमेटिक डायग्राम जो मैंने आपको दिखाई है, जैसे कि फिग में आपको दिखाई हुई है, ये इसकी डायग्राम है, ये आप इसकी बोर्ड से देखें, यहाँ पे देखिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंक सप्लाई, इंक पम्प, नोजल ऑफ प्रिंट हेड, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड चार्ज आउट हो गए, यहाँ डिफ्लेक्शन प्लेट में से पास होंगे, और ये पेपर से टकराने के बाद इस यहाँ पे हमें पेपर पे इसका प्रिंट मिल जाएगा, ये गटर में कुछ चार्ज पार्टिकल जो एक्स्ट्रा है वो इसमें गिर जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, जिसको हमने गटर का नाम दिया है। एंड दिस इज़ अ चार्जिंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन फॉर्म जो कंप्यूटर से इसमें से दी गई है। वर्किंग में देखें, प्रिंट हैड, इंजेक्ट प्रिंट हैड इजेक्ट अ थीन सिस्टम ऑफ इंक, इंजेक्ट प्रिंटर हैड इजेक्ट करेगा थीन स्ट्रीम ऑफ इंक, एक पतले सी जो स्ट्रीम नदी जैसे होती है इंक की, एक लाइन जैसे आपको नज़र आ रही है, स्ट्रीम ऑफ इंक, इंजेक्ट प्रिंटर हैड इजेक्ट आ थीन स्ट्रीम ऑफ इंक वियर इट शटल बैक एंड फोर्थ, जहाँ पे ये इस तरह से मूव करता है, शटल बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर, द इंक कम्स आउट ऑफ स्मॉल जेट, नोजल में से बाहर आएगी स्मॉल जेट नोजल, एंड ब्रेक अप इनटू वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट, और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ये इस तरह से टूट जाएगी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो आपको दिखाया गया। नेक्स्ट आपके पास है चार्जिंग इलेक्ट्रोड,
the small droplet becomes charged when passed through the charging electrode. Charging electrodes are used to charge the droplets that are not needed on paper. ये जो charging electrode है use होंगे charge करने के लिए. ये droplets इनकी ज़रूरत नहीं होती papers में, ठीक है. And deflection plates पर देखिए, when these charge ink droplet pass through the deflection plate. जब ये charge ink droplet deflection plate में से pass out होंगे, जैसे कि ये deflection plate आपको दिखाई है, इस deflection plate में से pass out होंगे, तो पास थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट दे आर डायरेक्टली टूवर्ड द गटर. ये फिर ये पार्ट्स देखिए, गटर में आके गिर जाएंगे ड्रॉपलेट, इन ड्रॉपलेट दे आर डायरेक्टली टू इनटू द गटर. व्हेन दीज चार इन ड्रॉपलेट पास थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट दे आर डायरेक्टली टूवर्ड द गटर, हैंस नो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द पेपर. क्योंकि देखिए ड्रॉपलेट्स यहाँ से पेपर पर जाने की बजाय गटर में आकर गिर गए, इस वजह से आपको कोई इमेज की नहीं मिलेगी. डिफ्लेक्शन प्लेट व्हेन दीज चार्ज इन ड्रॉपलेट पास थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट दे आर डायरेक्टली टूवर्ड द गटर हैंस नो इमेज फॉर्म्ड ऑन द पेपर. एंड हाउ टू प्लेस इंक ऑन पेपर. अब हमने इंक को पेपर पे कैसे लाना है. टू प्लेस इंक ऑन द पेपर द चार्जिंग कंट्रोल टर्न ऑफ द चार्जिंग इलेक्ट्रोड द अनचार्ज्ड ड्रॉपलेट पास स्ट्रेट थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट एंड स्ट्राइक द पेपर. फिर ये जो अनचार्ज ड्रॉपलेट है स्ट्रेट पास आउट होंगे डिफ्लेक्शन प्लेट में से और स्ट्राइक करेंगे पेपर को. ये देखेंगे ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, ये डिफ्लेक्शन प्लेट है, ये स्ट्रेटली पास आउट हो रहे हैं, पेपर से टकराएंगे और फिर हमें इसका इमेज हमें नज़र आएगा इसमें, ठीक है. ये हमारा टॉपिक था, सेकेंड हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इंजेक्ट प्रिंटर. उम्मीद है आपको स्टूडेंट समझ आया होगा. आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे तमाम लेक्चर्स अटेंड कर सकें. अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपने करना है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्ट आउट हो. अपने फ्रेंड्स को, क्लास फेलोज को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं ताकि आप घर बैठ के अपने स्टडी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें. फिज़िक्स से रिलेटेड कोई भी आपने टॉपिक करना है, कोई और टॉपिक आप करना चाहते हैं, वो आप मुझे शेयर करें, मुझसे शेयर करें ताकि हम आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकें. आप देखिए स्टूडेंट, इससे रेलिवेंट ये आपके एम सी क्यूज हैं. सिलीनियम इज क्या है, इंसुलेटर है, फोटो कनेक्टर, ये आपका एम सी क्यू, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एम सी क्यूज का, 17 मार्क्स होता है. इनको काइंडली आप साथ साथ कवर करें ताकि आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकें. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 पॉइंट है. इनको आप साथ साथ कवर करें ताकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कम्प्लीट हो सके और साथ साथ आप इन क्वेश्चन को भी तैयार करें ताकि ये भी आपको कम्प्लीट हो सके. नेक्स्ट टॉपिक हाँ, नेक्स्ट मेरा लेक्चर आपके साथ होगा. नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आपके साथ है वो है क्वेश्चन नंबर 7 हम इंशाल्लाह करेंगे, एंड दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू फ्लो. फ्लक्स क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फ्लो, बहना. इन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स इट कैन बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज, ठीक है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू, जैसे दिस इज द डायग्राम. इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ सरफेस नॉर्मल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये हमारे पास सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ए एंड बी. दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द एरो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टन एरिया, ये देखिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू सर्टन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया. तो इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे जो इस एरिया में से पास आउट हो रहा है. डेफिनेशन में देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई
scalar product of electric field intensity E and vector area A. This is the scalar product of E and A. These are two vector quantity. Arrow sign shows that electric field intensity and area is vector, and the direction of E and A is the same. Like phi shows the mathematically phi shows the electric flux. So electric flux phi is equal to E A cos theta, where theta is the angle between E and A. Theta E और A के दरमियान angle है. हम dot product को ख़त्म करेंगे, ठीक है, और ये show करेंगे, ठीक है. Next हम इसके parts के बारे में कहेंगे. Dependence of electric flux. Electric flux depend on number of electric line of force per unit area, area of surface, orientation of the surface. कल हम इंशाल्लाह इसके next topics special cases के बारे में discuss करेंगे, ताकि आप इसको understand कर सकें, ठीक है. अच्छा जी.